बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू वेल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में आधा कप ऑयल लिया है, एक अदद प्याज मैंने इसमें डाल दी है, और प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है बल्कि हमें बस ट्रांसपेरेंट करना है, देखें इस तरह की। और अब हम इसमें चिकन डाल रहे हैं आधा किलो। चिकन को हमें कलर चेंज होने तक फ्राई करना है प्याज के साथ, और थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। चिकन जो है हमारी थोड़ी सी फ्राई हो गई है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। 1 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है यहाँ पर। अब इसे भी मिक्स करके और चिकन के साथ फ्राई करेंगे, अच्छी तरह से भूनेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ 3 अदद टमाटर, और टमाटर को मैंने बीच में से कट किया है ताकि इसके छिलके रिमूव करने में हमें आसानी हो जाए। तो टमाटर को डालकर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। और ये देखिए 10 मिनट के बाद टमाटर जो है नरम हो गए हैं। अब इसका छिलका आराम से हम उतार लेंगे। और चिकन भी हमारी हाफ कुक हो गई है, और बाकी की हमारी भूनने में कुक हो जाएगी आराम से। चिकन तो वैसे ही बहुत आसानी से गल जाती है। ये देखिए छिलके मैंने सारे इसके रिमूव कर दिए। अब इन टमाटरों को अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स करके भून लेंगे। मैंने यहाँ लिया है शान का कढ़ाई मसाला, तो 2 टेबलस्पून इसमें शान कढ़ाई मसाला डालेंगे और मसाले को चिकन के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखें बहुत अच्छी सी मैंने भुनाई कर ली है और ऑयल भी ऊपर आ गया है। भुनाई करने के बाद इसमें 4 अदद हरी मिर्चें मैं काट कर डाल रही हूँ, और मैंने इन्हें सेंटर से कट किया है। हरी मिर्ची डालने के बाद 5 मिनट और इसकी भुनाई करेंगे ताकि ऑयल अच्छी तरह ऊपर आ जाए, और फिर ऊपर से अदरक डाल देंगे। इसमें मैंने अदरक डाल दिए, और ये देखें कितने मज़े की हमारी चिकन कढ़ाई तैयार है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।